मंदिर, जी हाँ, अयोध्या का राम मंदिर जिसको लेकर इतना लंबा विवाद चला और आखिरकार करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। करोड़ों हिंदुओं की आस्था राम मंदिर जन्मभूमि से जुड़ी हुई है और इसको लेकर के अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऐसा देखा कि आज सुबह गर्भगृह का पहला पत्थर रख दिया है। राम मंदिर को 2024 तक बनाने की का दावा बीजेपी ने किया है कि 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और अयोध्या को एक टूरिज्म हब की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। जिस तरह से अयोध्या का विकास किया जा रहा है, लगातार अयोध्या को अलग अलग तरीकों से अलग अलग शहरों से राज्यों से जोड़ने की कोशिश की जा रही ताकि सीधे आसानी से पर्यटक अयोध्या तक पहुंच सके और राम मंदिर रामलला के दर्शन कर सकें। और इस मौके पर ऐसा देखा गया कि बीजेपी के बड़े नेता भी योगी आदित्यनाथ के साथ वहाँ मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने पहले रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद गर्भगृह का पहला पत्थर रख दिया। बीजेपी जो काम कह रही थी बीजेपी ने करके दिखा दिया और कहीं ना कहीं इसको लेकर के करोड़ों हिंदू जो रामलला के दर्शन करना चाहते हैं और चाहते थे कि वहाँ पर राम मंदिर बनाया जाए, कहीं ना कहीं वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जिस फिलहाल जो देश में और प्रदेश में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद है, मथुरा जन्मभूमि विवाद है, ताजमहल का विवाद है, कुतुब मीनार का विवाद है, इन सभी विवादों के बीच कहीं ना कहीं जो खबर निकल करके सामने आई है, हिंदुओं को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिली होगी। लेकिन अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है, कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। क्या वहाँ पर भी हिंदू पक्षकारों की बात सुनी जाएगी या मुस्लिम पक्षकारों के हक में फैसला आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं की भावनाओं को राहत जरूर मिली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।